वेल हम सब जब काम से थक जाते हैं तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए इंस्टाग्राम खोलते हैं, एंड वो थोड़ा कब घंटों में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। वेल इंस्टाग्राम को डिजाइन ही ऐसे किया गया है, आप चाहे जहां भी टैप करो, एक्सप्लोर, सर्च, स्टोरी, मैसेज, हर जगह आपको रील्स ही दिखेगा। बिकॉज इंस्टाग्राम को भी पता है उनको ज्यादा एंगेजमेंट रील्स से ही मिलती है। इंस्टाग्राम ही नहीं, हर एप्लीकेशन को पता है ऑडियंस जितना देर उनके प्लेटफॉर्म पर रुकेगी उतना ही उनको प्रॉफिट होगा। पर हर एप्लीकेशन एक कॉमन रूल को फॉलो करता है, वो आपको एंगेज करने के लिए वैल्यू देता है। बेसिकली वैल्यू से मिलता है एंगेजमेंट और एंगेजमेंट से मिलता है पैसा। पर इंस्टाग्राम इस रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो लोगों को वैल्यू नहीं नशा देता है। नशा एक ऐसी चीज है जिसे किसी भी इंसान को गुलाम बना के रखा जा सकता है। और इंस्टाग्राम रील्स को ज्यादा प्रमोट इसीलिए करता है क्योंकि ये वही नशा है। बेसिकली रील्स देखने से हमें एक डोपामिन किक मिलती है। हमारा माइंड डोपामिन तब रिलीज करता है जब हमें प्लेजर फील होता है, यानी मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल इसे हम एक ड्रग एडिक्शन से समझते हैं। जब कोई इंसान पहली बार ड्रग्स कंज्यूम करता है तो उसे एक डोपामिन किक मिलता है, थोड़ी देर के लिए उनका पूरा दुनिया ही बदल जाता है, एंड वो अगली बार उतने में उनको वो मजा नहीं आता है जो पहली बार में आया था, और इस बार वो थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करता है, और इसी तरह धीरे धीरे एक दिन वो बुरी तरीके से ड्रग्स एडिक्ट बन जाता है। वेल रील्स एडिक्शन भी कुछ इसी टाइप से काम करता है, ये भी धीरे धीरे आपको बुरी तरीके से एक रील्स एडिक्ट बना देता है। एंड ज्यादा रील्स देखने की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन भी कम होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाते। एंड इंस्टाग्राम पर आप दूसरे की लाइफ देखते हैं, जहाँ वो अपने लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट शेयर करता है, और आपको लगता है कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है और उनके लाइफ में कितने मजे हैं। फिर खुद की लाइफ को उनसे कंपेयर करते हैं, फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोच, जिससे आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि घर बैठे बैठे डोपामिन किक मिल रहा है तो आप बाहर भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने चाहते, जिससे आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे असर पड़ता है, एंड हमारा 2 से 3 घंटा इसी स्क्रोलिंग में बर्बाद हो जाता है। सो द क्वेश्चन इज, आखिर हम इस एडिक्शन से बचे कैसे? सो इसका सिंपल और इजी सॉल्यूशन है, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। हाँ, मुझे पता है ये कोई नहीं करने वाला, एंड एक रिसर्च के मुताबिक हम किसी भी एडिक्शन से बच नहीं सकते, बट उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आगे से जब भी आपको लगे कि थोड़ा रिलैक्स के लिए इंस्टाग्राम देख लेते हैं, तब आप अपने माइंड को फोर्स करें कि कोई फिजिकल एक्टिविटी, म्यूजिक या अपना काम करे, या आप थके हैं तो थोड़ा डीप स्लीप भी ले सकते हैं। और इन सब में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप वो टाइम किसी चीज को सीखने में लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको एक यूट्यूबर बनना है तो शायद आप नीतीश राजपूत को जानते होंगे, जिन्होंने सिर्फ 81 वीडियो में 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया। तो ये जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके इतने सब्सक्राइबर गेन किए हैं, हमने इस वीडियो में उसका ब्रेक डाउन किया है। तो स्क्रीन पे टैप करें, मैं आपसे वही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।